और अब बात कांग्रेस नेता एनडी तिवारी की शादी की। कांग्रेस के सीनियर नेता और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके एनडी तिवारी ने फिर से शादी कर ली है। 89 साल के तिवारी ने कल लखनऊ में उज्ज्वला शर्मा से शादी की। 62 साल की उज्ज्वला का नारायण दत्त तिवारी के साथ लंबे समय तक विवाद रहा। तिवारी ने उज्ज्वला के बेटे रोहित शेखर को अपना बेटा मानने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन पेटर्निटी टेस्ट और हाईकोर्ट के आदेश के बाद तिवारी को मानना ही पड़ा कि रोहित शेखर उनके बेटे हैं। बेटे का हक हासिल करने के बाद रोहित शेखर की एक कोशिश थी कि एनडी तिवारी उनकी मां यानी उज्ज्वला शर्मा को पत्नी का हक भी दें। आखिरकार कल तिवारी ने लखनऊ में उज्ज्वला शर्मा से शादी कर उन्हें पत्नी का हक दिया। और शादी के बाद एनडी तिवारी आज अपनी पत्नी उज्ज्वला के साथ पत्रकारों के सामने आए। एनडी तिवारी और उज्ज्वला शर्मा से बात की लखनऊ में इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी और उज्ज्वला शर्मा की शादी हुई है कल, दोनों लोग हमारे साथ हैं। तिवारी जी, सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि शादी का फैसला अचानक हुआ या पहले से आपने तय कर रखा? देखिए, पहले से तय कर रखा था। देखिए, राजनीतिक परिवार जिन्होंने देश की सेवा की है उनसे मेरा पुराना परिचय था और वो आज भी बैठे हैं दोनों हमारे परिचय कराए तरुण। देखिए, बहुत ही आकस्मिक निर्णय था। तिवारी जी के मन में भले ही चल रहा हो, जैसे तिवारी जी ने अभी अपनी भावना शेयर भी की, उन्होंने कहा कि उनकी जो धर्म पत्नी है डॉक्टर सुशीला तिवारी जी, उनका निधन पेंक्रियाटिक कैंसर की वजह से आज से 21 वर्ष पहले हो गया था। तो उसके बाद तिवारी जी ये भी चाहते थे कि इस आयु में एक कोई एक कंपेनियनशिप भी हो और कंपेनियनशिप के साथ साथ कोई ऐसे व्यक्ति जिसके साथ हम आगे समाज के कार्य को और जो भी विकास का कार्य उन्होंने करते रहे हैं जीवन में। तो मैं भी एक राजनीतिक परिवार से हूँ, तो आप देख रहे हैं शिक्षाविद भी, उनका परिवार जो है शिक्षाविदों का परिवार है। तो शास्त्रीय संगीत, संस्कृत, संस्कृति, भारतीय संस्कृति, समाज सेवा, ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के हमको और तिवारी जी को बहुत पहले से निकट लाए हुए हैं। लेकिन अब इस आयु में उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे भी एक आश्वस्त फीलिंग हो, एक सुरक्षा की फीलिंग हो और मुझे लोग जो हैं असुरक्षित इस प्रकार से बार बार जो असुरक्षा का माहौल मेरे लिए क्रिएट करते हैं उसमें वो सफल ना हो सकें, अंत में इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। जैसे हम तिवारी जी को देखते हैं हर मौके पे गाना गाते हुए, तो शादी का मौका था, क्या सुनाया तिवारी जी ने आपको? तिवारी जी ने वहाँ का लोकगीत सुनाया, पर्वतीय अंचल का एक लोकगीत जिसमें कैसे जी, और ये आप सुनाएंगे जी, तिवारी जी? आजादी की जेल जी तो सुनाएंगे। हाँ, वो ये है ना, जैसे ये भाग से सर सर का झोंका आशियाना ले गया, अंदलीबों 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 को कफस आबोदाना ले गए। जेल में जो गए आजादी की लड़ाई में, आजादी के वो आपके पिताश्री जो थे डिफेंस मिनिस्टर जी, प्रोफेसर शेर सिंह, प्रोफेसर शेर सिंह जी, आपने नाम सुना होगा उनका। तो आपकी तो राजनीतिक परिवार भाई यहाँ आए हुए हैं तरुण जी। कल पूर्णिमा थी, राग रागनी भी गाते हैं, आप भी गाते हैं, आप भी कुछ और सुना। आप राज्य वेशभूषा के बारे में पूछा ना, वो वेशभूषा तो जब आपको फोटोग्राफ्स मिलेंगे अपने आप दिख जाएगी, उसके विषय में क्या बोलूं। लेकिन शेरवानी आपने पहनी थी कल और एक अंगवस्त्रम ऊपर डाला था और मैंने सिंदूरी रंग की साड़ी का परिधान और जो इनकी जो पारंपरिक इनकी परंपरा है पर्वतीय अंचल की कि जो विवाह के समय एक ओढ़नी ओढ़ी जाती है जिसको पिछौड़ा कहते हैं और सारी जो रस्म होती है वैदिक मंत्रों की और विवाह की जो रस्म है वो सारी की सारी उसी को ओढ़कर ही दुल्हन को करनी पड़ती है। तो वो सब मैंने बहुत चाव से किया, जो भी इनके परिवार की महिलाओं ने मुझे बताया वो सब सारे रीति रिवाज हमने निभाए। कल जैसे मैंने कहा राग रागनी आप लोग गाते हैं, दोनों लोग गाते हैं, कल कुछ संगीत का कार्यक्रम भी शादी के साथ साथ चला? वो तो वहाँ की महिलाओं ने, जो तिवारी जी के घर की महिलाएं हैं, उन लोकगीत सुनाए और बड़े प्रफुल्लित होकर के कई बच्चों ने नृत्य भी किया, छोटे बच्चों ने भी, बड़ों ने भी मिल करके। और तिवारी जी ने तो आप जानते हैं उनका फर्स्ट पैशन है राष्ट्रभक्ति, राजनीति, तो
उससे उन्होंने पूरे ग्लोब को रखा और कहा कि हमको जो आशीर्वाद मिल रहा है साथ में ग्लोब को भी मिले और विश्व में शांति हो। ग्लोब मंगाया स्पेशली जो उनके घर कमरे में रखा रहता है। गाया क्या और कैसी निकसी चांदनी जी, थोड़ा सा सुनाएंगे तिवारी जी? ये अलग अलग चैनल जो आप शुरू कीजिए तो आप साथ देंगे। कैसी निकसी चांदनी, कैसी निकसी चांदनी, शरद रात्रि मद मात विकल भई, शरद रात्रि मद माति विकल भई, पियु पियु टेरत भामिनी। तिवारी जी बाहर राग का गाना ये सुनाइए, ये तो आपसे मैंने सीख कर गाया है कल, गाइए। कैसी निकल मद मात विकल भई, पियु पियु टेरत भामिनी, भामिनी भामिनी, कैसी कैसी चांदनी। क्या सुनाना चाहते? जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये देखिए उत्तर शती रजत जयंती लखनऊ असेंबली में हुई है, उन्होंने मुख्य अतिथि थी नारायण दत्त तिवारी। अब मैं खुद नहीं दिखाना चाहता था, फर्स्ट फैशन राजनीति है। बहुत बहुत हमारी तरफ से भी बधाई आप लोगों को शादी की, और जैसा कि तिवारी जी और उज्ज्वला जी से बात करने से पता चल रहा है कि शादी के बाद घर में गीत संगीत हुआ और अब बड़ी दावत करने की यहाँ तैयारी है। कैमरामैन मकसूद के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी लखनऊ।